फ्रेंड्स आप देख रहे हैं भव्य हेल्थ केयर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भव्या हेल्थ केयर और मैं हूं आपकी दोस्त भव्या। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कहीं आपके बच्चे को भी ब्रेस्ट मिल्क से एलर्जी तो नहीं है। तो आइए जानते हैं इसका क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे आपका बच्चा आपका दूध नहीं पीता। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारण। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम भोजन है क्योंकि इससे बच्चे का विकास और उसे सही पोषण मिलता है। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ और बच्चे का रिश्ता भी मजबूत होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ बच्चों को ब्रेस्ट फीड से एलर्जी हो सकती है, जैसा कि बहुत से बच्चों को चीज, सोया, टोफू और दही जैसी चीजों से एलर्जी होती है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि नवजात बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क से भी एलर्जी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों होती है बच्चों को माँ के दूध से एलर्जी। एक्सपर्ट्स के अनुसार बच्चों को माँ का दूध नहीं बल्कि दूध बनने के बदलावों के कारण एलर्जी की समस्या होती है। दरअसल खाने पीने की कुछ चीजों जैसे कि सोया, टोफू आदि की वजह से ब्रेस्ट मिल्क के कंपोजिशन में बदलाव आ जाता है। इस वजह से बच्चे माँ का दूध पीना बंद करने लगते हैं। एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि बच्चों को माँ के दूध से एलर्जी नहीं होती बल्कि माता द्वारा खाए गए भोजन में मौजूद शक्कर या प्रोटीन की वजह से दूध की संरचना में बदलाव आ जाता है जिसके चलते बच्चे को दूध से एलर्जी होने लगती है। अब जानते हैं कि बच्चे को दूध से एलर्जी होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। पेट में गैस बनना, रैशेज होना, पेट दर्द, डायरिया, पीलिया या जॉन्डिस, उल्टी, आपच या दूध बिल्कुल भी ना पीना। अब जानते हैं कि क्या है ब्रेस्ट मिल्क एलर्जी का इलाज। एलर्जिक बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ना पिलाना किसी भी प्रकार से सही नहीं है बल्कि माता को अपनी डाइट में छोटे मोटे बदलाव करते हुए ब्रेस्ट मिल्क में बदलाव करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि गाय का दूध पीना बंद कर दें। ऐसी चीजों से परहेज करें जिनसे एलर्जी उत्पन्न होती है। आमतौर पर गेहूं, मक्का, अंडे और मूंगफली जैसी चीजों की वजह से इस प्रकार की एलर्जी होती है। इसे ध्यान देते हुए समझें कि आपकी परेशानी की वजह क्या है और उसी आधार पर अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करें। इस विषय में आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी बात करें और बच्चे के लिए सही फॉर्मूला दूध का चयन करें। इसी तरह बहुत गंभीर स्थितियों में बच्चों को गैलोकॉक्टर्स फ्री फॉर्मूला दूध पिलाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जिन बच्चों को माँ के दूध में एलर्जी होती है उसके पीछे के क्या क्या कारण हैं और क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल भव्या हेल्थ केयर को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी फिट।